तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 2 पिन प्लग वायर का कनेक्शन 3 कोर वायर से करने वाले हैं। आज जो 3 कोर की वायर है इसमें एक ग्रीन वायर, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर है, और यहाँ पर 2 पिन प्लग में एक ब्लैक और रेड वायर है। ये यहाँ पर मैंने एक होल्डर लगा लिया जिससे कि बाद में हम चेक कर सकें। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए है ताकि आपको चेक करवा सकूँ जो हमने कनेक्शन किया वो ठीक है कि नहीं। तो एक यहाँ पर इस 3 कोर वायर में जो रेड वाली वायर और ब्लैक वाली वायर है इन्हीं दोनों में हम सप्लाई देते हैं। जो ग्रीन वाली वायर होती है वो अर्थिंग की होती है, इसके जगह कभी कभार पीले कलर की वायर भी होती है तो आप उसे अर्थिंग मान सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन वाले वायर पे हमें कोई सप्लाई नहीं देनी है, तो हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से टेप लगा देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है। अब हमारा 2 वायर बच गया, इसमें एक रेड वाली वायर और एक ब्लैक वाली वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 वायर बचे हैं उसे प्लग के वायर से जोड़ देंगे। तो कोई सा वायर आप किसी वायर में जोड़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने इस रेड वाले वायर को रेड वाले वायर से जोड़ दिया है और ब्लैक वाले वायर को ब्लैक वाले वायर से जोड़ दिया है। अब हमें इसमें अच्छी तरह से टेप लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर पहले ब्लैक वाले वायर में मैं टेप लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक वाले वायर में मैंने टेप लगा दिया, रेड वाले वायर पे भी अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। जब भी हम 3 कोर वायर का कनेक्शन 2 कोर वायर के साथ करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना है जो ग्रीन वाली वायर या येलो वाली वायर होती है वो अर्थिंग की होती है, और इसमें 2 कोर में अर्थिंग का कोई टर्मिनल नहीं होता है, इस वजह से हम उसे कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कोर वायर का कनेक्शन 2 कोर वायर के प्लग से कर दिया है और इस पर अच्छी तरह से टेप लगा दी जिससे ये हमारा बेकार सा ना दिखे। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं एक इसमें बल्ब लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने बल्ब लगा दिया। अब एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं और इसको लगा के चेक करते हैं। तो देखिए प्लग को मैं इसमें लगा देता हूँ और इसकी सप्लाई ऑन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बल्ब हमारा जल गया है, इसका मतलब जो हमारा कनेक्शन है वो ठीक है। अगर आपको कनेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।